ये है दोस्तों, आज हम लोग आए हैं सूर्या गैलेक्सी प्रोजेक्ट के यहाँ, शुभ लक्ष्मी रियल्टी के यहाँ। ओके, ये नेरल में आता है, दामोठे में। ओके, ये जो रोड है ना फ्रेंड्स, ये स्टेशन के साइड में जाता है, जो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। ओके, ये पूरा माथेरन हिल फेसिंग है, माथेरन हिल व्यू है। ओके, और ये जो रोड है ना, ये दामोठे को जाता है, दामोठे मुरबाड़ को स्ट्रेट जाएंगे तो मुरबाड़ जाएगा, ये वाला जाएंगे तो बदलापुर साइड जाएगा। ओके, उधर रिसोर्ट है। ओके, बहुत बड़ा रिसोर्ट है। ओके, नेरल वैसे भी तो रिसोर्ट के लिए फेमस है। ओके, और यहाँ पे 1 मिनट का वेटिंग पे आपको रिक्शा मिल ही जाएगा। ओके, 1 मिनट 2 मिनट पे आपको रिक्शा मिल जाएगा, 1 मिनट वेटिंग वाली। ओके, और स्टेशन से कनेक्टिविटी 1 किलोमीटर का आएगा लगभग। और ये जो रोड्स हैं ना दोस्तों, ये अपना 4 लेन रोड है, अभी फ़िलहाल में 2 लेन है, लेकिन ये 4 लेन रोड है। किस लिए? क्योंकि ये रोड के देखिए, ये किनारे इतना स्पेस रखा है ना, इधर भी 9 मीटर, इधर भी 9 मीटर, दोनों साइड में 9-9 मीटर का है, 18 मीटर का रोड आपका हो जाएगा आने वाले टाइमों में। ज़्यादा दिन नहीं, अभी काम स्टार्ट है, धीरे धीरे सब जगह अभी अपना गेटेड है, अपना गेट आएगा, गेट का आपको अभी वीडियो में दिखा देंगे, अपना गेट बनने के बाद में कैसा दिखेगा। हाँ, काफ़ी अच्छा है, इधर भी आपका वॉचमैन के लिए स्पेस है, ये साइड भी है। ओके, अभी हम लोग चलेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, एंट्री करेंगे, अभी देखते हैं कि कितना काम हुआ है, क्या क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट में आने वाला है। ओके, ये देखिए, अभी ये जो स्पेस है ना फ्रेंड्स, बाउंड्री के किनारे ये पूरा गार्डन आएगा, ये बच्चों का गार्डन आएगा, झूला आएगा, गार्डन आएगा। ओके, ये पूरा झूला आएगा, बच्चों के खेलने के लिए रहेगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। ओके, आप देख सकते हैं। और ये जो स्क्वायर है ना, पानी भरा है, आप देखिए थोड़ा सा। ओके, ये देखिए, ये वाला, ये पूरा स्विमिंग पूल का है। ओके, इसमें स्विमिंग पूल आएगा, स्विमिंग पूल के ये जो बाजू में है ना दोस्तों, ये पूरा चेंजिंग रूम है, अभी हम लोग चेंजिंग रूम में एंट्री करेंगे, फिर आपको मैं क्लब हाउस दिखाऊंगा कि क्लब हाउस कैसा आएगा, क्या क्या है क्लब हाउस में। ओके, अभी आइए चलते हैं चेंजिंग रूम में, देखते हैं क्या क्या है, कितने रूम्स हैं। ये देखिए, राइट, ये देखिए, ये भी एक रूम है, इसमें चेंजिंग रूम बनाया हुआ है, कपड़े वपड़े टांगने के लिए, रखने के लिए बनाया है। अभी क्या है, वर्किंग स्टेटस है ना फ्रेंड्स, अभी क्या है, सब काम चल रहा है, लगभग आपको दिसंबर तक यहाँ पे पोजीशन मिल ही जाएगा। ओके, अभी मैं आपको क्लब हाउस दिखाऊंगा दोस्तों, गेट है, गेट से ये पूरा स्पेस अपना गार्डन के लिए है, ये स्विमिंग पूल है, और ये पूरा क्लब हाउस का एरिया है। ओके, क्लब हाउस भी काफ़ी अच्छा बना है, आने वाले टाइम का काफ़ी सुंदर है। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, अभी हम लोग चलेंगे क्लब हाउस में, एंट्री करेंगे फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि क्लब हाउस में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने स्पेस है, क्या क्या बनने वाला है। ओके, ये देखिए, ये अपना लॉबी रहेगा, ये पूरा इंटीरियर का वर्क होगा, काफ़ी मिरर का रहेगा, ग्लास का, काफ़ी सुंदर से बनेगा, आपको बनने के बाद में पूरा आपको आइडिया आएगा। ओके, यहाँ पे रिसेप्शन आएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है एक रूम है, आप देखिए, सोसाइटी के लिए ऑफिस बनाया, सोसाइटी ऑफिस रहेगा, क्योंकि सोसाइटी बनेगा उसके लिए भी तो एक रूम चाहिए ना। और ये जो है ओपन रहेगा, ये टोटल वेटिंग एरिया रहेगा, ओपन रहेगा,
ओके। ये जो है दोस्तों इंडोर गेम्स हैं, या नहीं इंडोर गेम्स नहीं, ये अपना टोटल क्लब हाउस है, अपना कम्युनिटी सेंटर बोल सकते हैं, कम्युनिटी हॉल बोल सकते हैं। ये पूरा मीटिंग वीटिंग के लिए, किसी को अपना बर्थडे पार्टी करना है, सेलिब्रेट करना है, या कोई छोटा सा इवेंट करना है, ओके, तो ये पूरा स्पेस उनके लिए यूज आएगा। ओके, ये डबल हाइटेड है, आप देख सकते हैं पूरा। ओके, आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, देखिए आप देख लीजिए टोटल कैसा चारों तरफ से दिखेगा। मीटिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बड़ा स्पेस है, 40 से 50 लोग आराम से आ जाएंगे इसमें। ओके, अभी हम लोग चलेंगे ऊपर के साइड, चलेंगे सीढ़ियों से। ये जो है फ्रेंड्स अपना जिमनेजियम है, ये पूरा जिम के लिए रहेगा, काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा स्पेस है, यू कैन सी हियर। ये जब बनेगा ना दोस्तों तो आपको देखने में पूरा मज़ा आएगा। अभी क्या है, अभी पूरा वर्किंग स्टेटस है, अभी क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको पूरा देखने के बाद भी हम फिर अपडेट देंगे। ओके, ये देखिए, ये भी एक मीटिंग के लिए है। यदि जो नीचे वाला है, कम्युनिटी वाला, जो नीचे वाला देखा है ना आपने, वो बहुत बड़ा है, उससे छोटा कोई मीटिंग रहेगा ना, तो इसमें अपन सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये इंडोर गेम्स भी आएगा इसमें, हाँ, ये जो है ना, ये भी इंडोर गेम्स के लिए स्पेस है। इसमें क्या है, बच्चों के लिए कैरम आएगा, इसके अलावा टेबल टेनिस जैसा छोटा वाला होता है वो आएगा। ये पूरा इंडोर गेम्स के आइटम्स जितने भी रहेंगे ये सब, ये क्या है, ओपन स्पेस है, ये पूरा बनेगा ना, काफ़ी सुंदर दिखेगा। आप देखिए नेरल का पूरा व्यू देख लीजिए दोस्तों, नेरल का ये रिजॉर्ट है, ये रिसोर्ट है, ये अभी बहुत बड़ा रिसोर्ट है। ओके, ये देखिए दोस्तों, ये अपना टोटल कितना लैंड है। ओके, मैंने टेरेस से दिखाने का प्रयास किया हुआ है। ओके, ये जो लॉबी है ना दोस्तों, अभी ये जो लॉबी का टाइलिंग है काफ़ी अच्छा बना है, आप देख सकते हैं। अभी क्या है, अभी पूरा बन रहा है, तो अभी पूरा आइडिया आएगा नहीं, ऊपर का इंटीरियर का वर्क है। हाँ देखिए, अब अभी काम चल रहा है, हालांकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन पूरा बनेगा तो काफ़ी सुंदर लुक, लाइकवाइज काफ़ी अच्छा दिखेगा। आप देखिए एक बार, ध्यान दीजिए पूरा। हाँ, ये बनेगा फ्रेंड्स ना, तो बहुत सुंदर दिखेगा। चलिए आइए अपन चलते हैं ऊपर, चलेंगे। यहाँ पे लिफ्ट भी दिया हुआ है, ब्रांडेड लिफ्ट आएगा, एस्कॉन का है लिफ्ट। ओके, ये देखिए अभी पूरा, हालांकि काम चल रहा है, पूरा काम होने के बाद भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ओके, लेकिन फ़िलहाल में अभी आप देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सुंदर व्यू है, नेरल माथेरन का व्यू है जो आपको टेरेस से दिख रहा है। ओके, ये देखिए, वाओ, सो अमेजिंग, आप देख सकते हैं।